नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और नया कार तो नहीं है, हालांकि गाड़ी हो चुकी है डिसकंटिन्यू, लेकिन काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और जैसे कि आपको हम वीडियोस में बताया करते थे, नीचे में फॉग लैंप, ऊपर में हेडलाइट, लेकिन उसमें बताया करता था प्रोजेक्टर को लेकर के। तो आज ऐसा गाड़ी लाया हूँ ना जिसमें प्रोजेक्टर आपको लगा हुआ ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और प्राइस भी ठीक है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऊपर से टॉप मॉडल है, बूट सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है ओपन करने का पीछे से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो आप गाड़ी का फर्स्ट लुक देख ही लिए होंगे, काफ़ी शानदार गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी है। और वाइट कलर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग का डिमांड ही इतना ज़्यादा है ना वाइट कलर को लेकर के, कि भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो गाड़ी तो आपने देख लिया दोस्तों, काफ़ी शानदार है। वैसे भी आपको हम चारों साइड से उसका लुक दिखाएंगे, तो चलिए पीछे से आपको हम सबसे पहले बताते हैं। तो गाड़ी का पीछे का आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, पहले तो आपको शीशा देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा पीछे में इसका शीशा लगा हुआ है, जिससे यार बैक करते टाइम काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको देखना। और आपको बीच में टाटे की बैजिंग, जो कि हर गाड़ी का अलग अलग बैजिंग होता ही होता है, और साथ ही में बूट ओपन करने का, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं टाटा नैनो ट्विस्ट वेरिएंट, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बूट ओपन करने का। वही इसका अगर बेस मॉडल लेने जाओगे ना तो आपको देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ नैनो XT की आपको बैजिंग देखने को मिल जाने वाली है दोस्तों। साथ में आपको इंजन बताऊँ तो गाड़ी का इंजन पीछे में ही है, हाँ जी पीछे में है इंजन। और रिफ्लेक्टर आपको एक में इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, स्टॉप लाइट आपको मिल जाता है, और रिवर्स जो लाइट होता है वो भी देखने को मिल जाता है। बैक कैमरा, पार्किंग सेंसर कुछ नहीं लगा है। व्हील जो बोलते हैं ना, व्हील के बारे में मतलब एलोस, व्हील कैप जो होता है ना वो प्लास्टिक के होते हैं नॉर्मल से कवच टाइप से, बट इसमें एलोस लगे हुए हैं, मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लुक इन्हेंस होने वाला, काफ़ी ज़बरदस्त से गाड़ी लगने वाला देखने में, जो कि आप सामने में देख ही रहोगे, मुझे दिखाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, आप सामने में देख रहोगे। काफ़ी शानदार गाड़ी है, वाइट कलर की पूरी तरह से आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। फेंडर के ऊपर एक साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ORBM के अंदर आपको एक भी लाइट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नैनो के अंदर आती नहीं थी, तो फिर कैसे मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप टायर कंडीशन बताऊँ तो टायर कंडीशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिल जाता है। 70-80% आपको गाड़ी की टायर कंडीशन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और काफ़ी ज़्यादा संभाल के गाड़ी को रखा गया है, मतलब भाई बहुत प्यार से रखे हुए। रहा बात गाड़ी सेल करने का रीज़न, क्यों सेल कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको अब गाड़ी दूसरी लेनी है। और यार जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बंदा एक गाड़ी को यूज़ कर रहा है ना तो थक जाता है, मतलब सेम टू सेम यार गाड़ी को देखते देखते ना परेशान हो ही जाता लोग, तो इस कारण से सेल कर रहे हैं। चलिए इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आप देख सकते हैं, और सबसे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तो आपको बताना ही भूल गया, गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिक है। हाँ जी दोस्तों, नैनो ऑटोमेटिक, अब आप समझ लो क्या मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त वाला आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक नैनो ना यूँ आप लपेट के चला सकते हो। आपको गाड़ी मतलब आप बिल्कुल आप नहीं सीखो ना, चले भी चढ़े भी नहीं हो ना गाड़ी पे, फिर भी आप चढ़ोगे ना ऑटोमेटिक नैनो पे, आप बेशक चलाना सीख जाओगे। गाड़ी काफ़ी शानदार है। बात करें स्टेयरिंग के ऊपर तो दोस्तों, इस गाड़ी का स्टेयरिंग जो है ना पावर स्टेयरिंग में आपको देखने को मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं नैनो के अंदर पावर स्टेयरिंग नहीं है क्या, लेकिन हाँ जी दोस्तों पावर स्टेयरिंग आती है। अब आप चाहे नैनो का कोई भी वेरियंट लेने चल जाओ, बेस से बेस आपको सारे में पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। सो अपने माइंड का ये जो ख्याल है ना पावर स्टेयरिंग को लेकर को हटा दीजिए, पावर स्टेयरिंग हर एक नैनो में आती है। इतना ही नहीं, आपको गियर बॉक्स तो नीचे आप देख ही सकते हैं, गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक वाली, काफ़ी प्रीमियम गियर बॉक्स है। नीचे में आपको क्रोम की फिनिशिंग, और सीट का बताऊँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ है सीट। और फ्रंट में आपको दो बड़े से ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको साइड में स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है। स्पेस के मामले में बता दूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जैसा कि बाहर से गाड़ी छोटी लगती है बट अंदर से काफ़ी भड़ा उड़ा, मतलब काफ़ी खाली खाली सा स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी शानदार गाड़ी है। और आपको स्पीकर्स भी आगे में देखने को मिल जाता है, डैशबोर्ड भी और दो पीछे में, तो इस कारण से क्या होता है ना कि म्यूजिक सिस्टम को लेकर के भी कोई खास दिक्कत नहीं होती है। और आपको आगे का जो दोनों विंडोज है ना, आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। और AC विंडोज की बात कर लें तो बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि नैनो के अंदर AC नहीं है, तो आज मैं चलिए इस बात के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। नैनो के अंदर AC भी, और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ AC नहीं, AC के साथ विथ हीटर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आप AC तो यूज़ करोगे साथ में हीटर भी इसका यूज़ करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर रियर सीट देख सकते हैं, रियर सीट में बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर स्पेस नहीं है, लेग रूम हेड रूम, मतलब आप अगर आगे में पैर रखो तो आगे वाला जो सीट होता है ना उसमें टच होता है, बट आप सामने में तो देख ही सकते हो यार कितना ज़्यादा स्पेस है। वैसे मैं बता दूँ, नॉर्मल आप कोई भी चले जाओ छोटी गाड़ी लेने तो यहाँ पर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाता है स्पेस, हैचबैक जो भी आप लेने जाओ आपको इतना स्पेस देखने को मिलता है, और नैनो के अंदर भी इतना ही मिलता है। हालांकि बाहर से छोटी देखने में लगती है बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है, नो डाउट। मैं खुद देखा हूँ भाई, आप मतलब एक बार पर्सनली चला के देख लीजिएगा, वैसे मैं खुद चला के देखा हूँ। और एक चीज़ को और लेकर के, इस गाड़ी को डाउट है बहुत लोगों के मन में कि इसका इंजन पीछे है ना, सो पीछे इंजन होने के कारण से लोग बोलते हैं कि इसका कैबिन जो है ना उसमें नॉइज़ आती है इंजन की, तो चलिए वो भी मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ। नैनो का जो सबसे बेस वेरियंट है ना दोस्तों, जिसमें आपको AC विंड्स तक देखने को नहीं मिलेगा, उसका जो है ना अंदर के जो होता है कैबिन, उसमें थोड़ा बहुत
कंप्लेन है, हाँ नॉइस आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, वही ज़्यादा नहीं, 20% के आसपास आती है। और वही बात कर ले दोस्तों इस गाड़ी का, मतलब टॉप मॉडल का, तो टॉप मॉडल तो मैं आपको छाती ठोक के बता सकता हूँ कहीं आपको कोई आवाज़ देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार जब टेस्ट ड्राइव लें तो चारों के चारों सीट साफ करके एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव लें, काफ़ी आपको सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी कोई दिक्कत है या फिर ऐसे ही लोग बकैती कर रहे हैं। खाली दिक्कत कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, आप आराम से इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। टॉप मॉडल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी है। चलिए बात कर लेते हैं और डिटेल्स के, लेकिन उससे पहले मैं आपको एवरेज के बारे में और कुछ खराबी के बारे में गाड़ी को बता देना चाहता हूँ। तो चलिए एवरेज पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का जो एवरेज है वो आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाएगा सिटी के अंदर 19-20 का, काफ़ी आराम से पेट्रोल गाड़ी है, सिटी के अंदर 19-20 मिल जाता है। वहीं बात करें हाईवे पर तो 27-28 बहुत आराम से गाड़ी निकाल कर दे देती है। वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 24.48 की। तो चलिए अभी आपको बताते हैं इस गाड़ी के खराबी के बारे में, मतलब क्या खराबी लगती है। वैसे मुझे खराबी लगती है, आपको खराब लगती है या फिर नहीं लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है वीडियो में, सो टेंशन ना लें, आपको वीडियो में कहीं भी देखने को मिल जा सकता है ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के खराबी का। तो दोस्तों गाड़ी की खराबी मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने गाड़ी साइड से देखा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आपने गाड़ी तो देख ही लिया होगा, तो आपको फ्यूल गेज जो होता है ना वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको माइंड में डाउट आया होगा भाई इसमें फ्यूल डलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा फ्यूल गैस, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाड़ी का जो फ्यूल गैस है ना आगे में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बोनट के अंदर दिया हुआ है। अब गड़बड़ यही लगती है ना कि आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाओगे ना पेट्रोल लेने के लिए इस गाड़ी के अंदर, तो आपको दिक्कत यहीं पे होने वाला है कि आपको बोनट जो है ना गाड़ी का ओपन करना पड़ेगा, देन आपको वहीं पर फ्यूल डलाना पड़ेगा। मतलब बोनट ओपन करोगे तो आपको अंदर में फ्यूल गैस दिखाई देगा, फिर वहीं पर आप फ्यूल डलवा सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगती है यार, इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए था नए वाले को, बट इट्स ओके, अब ठीक है गाड़ी बन चुकी है, ऊपर से डिसकंटिन्यू हो गया तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। सेकेंड प्राइस में काफ़ी अच्छा है गाड़ी मिल रहा है। नीचे में आपको फॉग लैम्प जो होता है इस गाड़ी का, तो आपको प्रोजेक्टर में मिल जाता है। और हेडलाइट की बात करें तो नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट है, और सिंगल वाइपर के साथ ही गाड़ी आती थी, और इसलिए क्योंकि दोस्तों सिंगल वाइपर में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छे से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो वाइपर की तो यार जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंगल वाइपर में इतना छोटा है ना आगे से इसका शीशा कि आराम से सारा पानी साफ हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं और डिटेल्स की। तो दोस्तों टाटा नैनो 2015 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरियंट गाड़ी, किलोमीटर बताऊँगा ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं किलोमीटर का। तो सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम चली हुई है, 15 मॉडल गाड़ी है, 22,000 चली हुई है, आप समझ सकते हो क्या ही चली हुई है। वैसे आप चाहें तो कंपनी में चेक करा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और गियर बॉक्स आपको इसका मैनुअल मिल जाएगा। सेकंड ऑनर गाड़ी, बात कर ले लोकेशन की, तो दोस्तों पुणे की गाड़ी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाड़ी का जो NOC होता है वो अवेलेबल करा दी गई है। सो आप नंबर का टेंशन बिल्कुल ही मत ले, आप कोई भी स्टेट से अगर आपको गाड़ी पसंद हो तो बेशक आप इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, क्या है गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 1,60,000 रुपये, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, सो 1,60,000 ठीक है प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, नेगोशिएबल है, सो प्राइस कम हो जाएगा। मैक्सिमम गाड़ी आपको 1,35-40 तक बहुत आराम से पड़ जाएगी। बात कर ले कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों ऑनर का जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना, आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा, तो इस नंबर पे कॉल करिए ऑनर से, जो आपके माइंड में डाउट हो पेपर से लेकर के हो या फिर जो पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।